कोरोना से मौतल तालीमी सिलसिला 83 रोज बाद बहाल। सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में पहली तानाहम जमात 50% हाजिरी के साथ क्लासेस का आगाज। यूनिवर्सिटीज में भी तालीमी सिलसिला बहाल। SOPs की सख्त पाबंदी, सैनिटाइजर्स और मास्क लाजमी करार। खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्मानों की तंबीह। एक्सपो सेंटर में वैक्सीनेशन ऑपरेशन साइनोवैक का स्टॉक खत्म। नए आने वालों को साइनोफॉर्म लगाने का आगाज। पहली डोज लगाने वालों के लिए रजिस्ट्रेशन कार्ड्स का भी इजरा। डोज लगाने के लिए 30 साल वालों के लिए रजिस्ट्रेशन की शर्त। पुलिस फोर्स की वैक्सीनेशन का अमल भी जारी। 45,000 से ज्यादा अफसरानों अहलकारों को डोज लगा दी गई। नए कनेक्शन के लिए 3 नहीं 4 साल इंतजार करना होगा। सुई गैस कंपनी ने हाथ खड़े कर दिए। 5 लाख कनेक्शन जीरे अल्तवा, एक साथ इतने कनेक्शन नहीं दे सकते। हुक्काम ने साफ माजरत कर ली। नए कनेक्शन में मजीद ताखीर पर लाहौर ये मायूस। शहर में मुनशियात का धंधा उरूज पर। झेडू गांव में मौत के सौदागरों ने बच्चों को भी नशे पर लगा दिया। ड्रग डीलर्स की खवातीन के जरिए भी मुनशियात की फरोख। मकरूह सरगर्मी की वीडियो सामने आ गई। उधर पुलिस का मुस्लिम टाउन मोड पर नशेयों के खिलाफ क्रैकडाउन। पुलिस की भारी नफरी ने क्रैकडाउन में हिस्सा लिया। SP इकबाल टाउन का ऑपरेशन में मुनशियात के आदि 45 मुलजमान पकड़ने का दावा। खोखर बरादरान के खिलाफ लॉट केस की समाअत। लीगी रहनुमा सैफुल मलूक खोखर, अफजल खोखर एंटी करप्शन कोर्ट पेश। उबूरी जमानत में 14 जून तक तौसी मंजूर। वसंतपुरा के इलाके में गैस की पाइपलाइन फट गई। गैस पाइपलाइन फटने से किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। इलाका मकीनों का कहना है कि अक्सर औकात इस तरह के वाकयात पेश आते रहते हैं। शिकायत के बावजूद महकमे की जानिब से कोई एक्शन नहीं लिया जाता। पुलिस के लिए रिकॉर्ड याफ्ता मुलजमान की शनाख्त आसान हो गई। पंजाब के 603 थाम में बायोमेट्रिक स्कैनर डिवाइसेस फराहम कर दी गई। फिंगरप्रिंट के लिए मुलजमान को SP ऑफिस ले जाने के झंझट से निजात मिल गई। कानून के तालब इलमों को पासिंग मार्क्स न देने का मामला। पंजाब बार कौंसिल ने आज मुकम्मल हड़ताल की कॉल दे दी। वाइस चेयरमैन पंजाब बार कौंसिल अमजद इकबाल कहते हैं कि हायर एजुकेशन कमीशन की जानिब से पासिंग के नंबर्स कम करने के मुतालबे पर नजरसानी न करने पर हड़ताल करने का फैसला किया। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान लाहौर के चेयरमैन और सदर ऑटो पार्ट्स मार्केट बादामी बाग वकार अहमद मियां की सालगिरह। ताजर बरादरी अहबाब की जानिब से मुबारकबाद का सिलसिला जारी। कौमी क्रिकेट टीम का दौरा इंग्लैंड। चार्टर फ्लाइट से इंग्लैंड रवानगी के शेड्यूल में रद्दोबदल। कोचेज और खिलाड़ी 23 के बजाय 25 जून को अबूधाबी पहुंचेंगे। PSL खेलने वाले खिलाड़ी चार्टर फ्लाइट से 25 जून को अबूधाबी से मैनचेस्टर पहुंचेंगे, जबकि खिलाड़ी जुलाई में कमर्शियल फ्लाइट से वेस्टइंडीज जाएंगे। और कोरोना में कमी के बाद आज से खेलों की सरगर्मियां बहाल। जिमनास्टिक, क्रिकेट, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, वेटलिफ्टिंग, एथलेटिक्स, बेसबॉल, गोल्फ खेलने की इजाजत। कराटे, ताइक्वांडो, किकबॉक्सिंग, जूडो, रग्बी, रेसलिंग और कबड्डी पर पाबंदी बरकरार।